उरुग्वे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। इस देश की सीमाएं ब्राजील और अर्जेंटीना से लगती है। इस देश की राजधानी मोंटेविडियो है। उरुग्वे को 1811 को स्पेन से आज़ादी मिली, परंतु उसके बाद उरुग्वे ब्राजील के अधीन रहा 25 अगस्त 1825 तक, इसलिए यहाँ 25 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इस देश को ऑफिशियली ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे कहते हैं। इस देश का नाम उरुग्वे नामक नदी से रखा गया है। यह नदी उरुग्वे के पश्चिमी हिस्से से बहती है, जो अर्जेंटीना से इसका नेचुरल बाउंड्री बनाती है। उरुग्वे का मतलब द रिवर ऑफ पेंटेड बर्ड्स है। आज हम उरुग्वे के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। यह सूरीनेम देश के बाद साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। उरुग्वे की कुल आबादी केवल 34 लाख है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। इस देश में उरुग्वेन पेसो इस्तेमाल होता है। यहाँ का लिटरेसी रेट 98% है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 साल है। यहाँ प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। फुटबॉल उरुग्वे का नेशनल स्पोर्ट है। उरुग्वे में लोगों से ज़्यादा भेड़ बकरियाँ है। लगभग एक आदमी के पीछे 3 से 4 पशु हैं। भेड़ के बाल और मांस एक्सपोर्ट करके उरुग्वे 20वीं सदी में बहुत अमीर देश बना। सन 2000 में उरुग्वे ने पशुओं को एक्सपोर्ट करके $1 बिलियन कमाए। यह दुनिया का एकमेव ऐसा देश है जो अपने देश के सभी पशुओं का ट्रैक रखता है। यह देश केवल पशुधन पर निर्भर नहीं है। यहाँ की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और फूड प्रोसेसिंग पर निर्भर है। यह देश टूरिज्म के लिए भी बहुत सुंदर है। इसे साउथ अमेरिका का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इनके इकोनॉमी का थोड़ा हिस्सा टूरिज्म से भी आता है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पानी मिलता है और यहाँ के 95% क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के बिजली मिलती है। देश की 95% बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। साउथ अमेरिका महाद्वीप में उरुग्वे के पास सबसे कम गरीबी है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम है। उसके साथ यहाँ अर्बनाइजेशन और लिटरेसी रेट ज़्यादा है। उरुग्वे में फुटबॉल तो बहुत पसंद किया जाता है। दुनिया का सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया। उरुग्वे ने 1930 और 1950 में फीफा वर्ल्ड कप जीता। अभी का सबसे फेमस उरुग्वेन फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज है। यह देश दुनिया के कुछ सबसे कम करप्ट देशों में से एक है। यह साउथ अमेरिका में चिली के बाद सबसे कम करप्ट देश है। यह 2012 में अबॉर्शन लीगल कर दिया है। मैरिजुएना ट्रेड यहाँ लीगल है दिसंबर 2013। उरुग्वे दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ स्कूल के छात्रों को फ्री में लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन दिया जाता है। यहाँ घरों को नंबर नहीं दिया जाता बल्कि घर को नाम दिया जाता है। यह साउथ अमेरिका का सबसे ज़्यादा नॉन रिलीजियस देश है। यह क्रिसमस को फैमिली डे के नाम से मनाते हैं। इस देश का नेशनल एंथम दुनिया में सबसे लंबा है। इस देश की राजधानी मोंटेविडियो है और मोंटेविडियो में देश की आधे से ज़्यादा आबादी रहती है। यह दुनिया के सबसे गरीब पॉलिटिशियन है। इनका नाम जोस मुजिका है। इन्होंने 2010 से 2015 तक उरुग्वे के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। इन्हें दुनिया का सबसे हम्बल प्रेसिडेंट की उपाधि भी प्राप्त है। ये अपने आमदनी का 90% हिस्सा डोनेट करते हैं। यह देश यूनाइटेड नेशन को किसी भी देश से ज़्यादा आर्मी के जवान देता है। कैसा पुएबल यह होटल बनाने में 36 साल लगे। यह होटल हॉर्नेरो बर्ड के घोंसले जैसा दिखता है। इसको बनाने का कोई भी आर्किटेक्चरल प्लान नहीं था। यहाँ का नेशनल फूड चिविटो है, जो कि एक प्रकार का सैंडविच है।